सीरियल आपके आ जाने से मैं एक बार फिर वेदिका बन गई है लांछन का शिकार। दरअसल कुछ औरतें मोर्चा लेकर पहुंच गई हैं वेदिका के चरित्र पर सवाल उठाते हुए और अग्रवाल हाउस में वेदिका मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही हैं। दरअसल यश के साथ बिना शादी किए रहने पर वेदिका को दिया गया गलत नाम और इतने से उनका मन नहीं भरा तो जूतों का माला पहनाकर वेदिका को किया जलील। लेकिन इस बार भी वेदिका ने चुपचाप ये सहन नहीं किया बल्कि मुंह तोड़ दिया जवाब और ऐसा करारा जवाब दिया कि मोर्चा लेकर आए इन सब औरतों को वापस जाना पड़ा। यानी वेदिका ने एक बार फिर दिखा दी नारी शक्ति। और इस पूरी साजिश के पीछे है पुनीश, जिन्होंने वेदिका को जलील करने के लिए औरतों को दिए थे रुपए, लेकिन पुनीश को मिल गया पलटवार और उनका ये प्लान हो गया फ्लॉप। ये अलग तरीके से ना एकदम से सबके सामने इनको आज अलग साजिश की है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने थोड़ा सा हमें पीड़ा दी थी जिसके वजह से हमें जलील होना पड़ा। तो आप जानते हैं कि जब कोई जलील होता है तो जलालत सह नहीं कर पाता है, तो आज हमने उसका प्रतिशोध किया है उनके प्रति। और जैसे आपने देखा कि सीन का जो शूट हो रहा था, हमने कैसे औरतों को और सबको बुलाकर उनको बताया कि जो उनके पिछले काल के लाछन हैं वो सही नहीं है और उनके ऊपर लाछन लगाए। तो वेदिका जी ने हम पर थोड़ा पीड़ितापूर्वक वार किया था, तो उसका हमने रिटेलिएशन किया। लेकिन उन्होंने आपको देखते ही समझ गए कि पूरा मामला आपका ही है ना, और फिर वार थोड़ा सा पलट गया। वो देखते ही समझ जाती कि इसके पीछे पुलिस तिवारी ही होगा। हाँ, उन्होंने आपने देखा कि अंत में उन्होंने फिर से कहा है कि उन्होंने दृढ़पूर्वक कहा है कि मैं तुम्हारा खात्मा करके रहूँगी। तो देखते हैं आगे जाके पुनीश तिवारी का खात्मा कैसे होता है।